मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपा सूर्यावली स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास है यूकेजी सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम लेसन कर रहे थे फोर का। तो फोर में क्या कर रहे थे हम? बड़ी ई की मात्रा। आज हम इससे आगे का करते हैं। तो ये देखिए जो आपकी बुक है यूकेजी क्लास की स्वर संभाग, उसमें देखिए पेज नंबर है 18, ठीक है। इसके अंदर ये पकड़ी की शादी एक पोएम दी हुई है, कविता दी हुई है। तो देखिए आज हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बकरी की शादी थी, क्या थी? बकरी की शादी थी। सभी जानवर बराती बनकर आए, बाघ मिठाई लाया, चीता खीर लाया, नीली साड़ी पहनकर बाघिन आई, मटक मटक कर बिलाऊ नाचा, हाथी सहनाई बजाता आया, हथनी गीत गाती आई, नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। कितनी बढ़िया बकरी की शादी, ठीक है। ये क्या थी? बकरी की शादी कविता। अब हम करते हैं अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ देखिए आइए अभ्यास करें जिसमें एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसकी शादी थी। अभी हमने जो कविता में पढ़ा था किसकी शादी थी? बकरी की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बकरी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, नगाड़ा कौन बजाता आया? तो कौन बजाता आया था नगाड़ा? गीदड़, गीदड़ बजाता आया था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बागिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? तो कौन सी कलर था वो, कौन सा रंग था? नीला, नीला रंग की साड़ी पहनकर आई थी। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन जो सेट दूसरा है वो हम बुक से करेंगे। तो बुक में देखिए ये दे रखा है, चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। अब यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं और ये नाम दिए हुए हैं, तो इन चित्रों को इन नाम से हमें मिलाना है। तो देखिए झाड़ी दे रखा है, तो झाड़ी देखिए सीपी पपीता तितली झाड़ी यहाँ है ना, तो हम इसको इसमें मिला देंगे। अब देखिए पपीता है, पपीता को हम इसमें मिलाएंगे। अब देखिए तितली दे रखी है, तितली को यहाँ मिलाएंगे, सीपी को हम यहाँ ऊपर मिलाएंगे, ठीक है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो देखिए ये दे रखा खैर है, तो हमें क्या है बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो जैसे देखिए और सही शब्द बनाना है, तो देखिए ये खैर के ऊपर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा खीर, और हमने ऐसा कैसा लिख देंगे खीर, तो ये क्या है सही शब्द बन गया खीर। अब देखिए ये देखा शह और तय, तो हम शह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और तय को ऐसा वैसा लिख देंगे, ये बन गया शीर। अब देखिए ये दे रखा चमकला, तो हम इसको क्या करेंगे के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ला को हम ऐसा ही लिख देंगे, तो क्या बन गया ये चमकीला। आगे देखिए ये देखिए मैं छह ले दे रखा है, तो हम मैं लिखेंगे छह लिखेंगे और ले पे बड़ी की मात्रा लगाकर हम बनाएंगे इसको मछली। आगे देखिए गय ले दे रखा है, तो हम गय लिखेंगे और ले के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा के बनाएंगे इसको गली। अब देखिए दे रखा रबड़, रबड़ दे रखा है ना, तो इसको हम क्या बनाएंगे वह लिखेंगे, फिर वह लिखेंगे, फिर अड़ा लिखे, अड़े के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन गया ये रबड़ी। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न में सुलेख लिखिए। तो आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको ये सुलेख लिखना है, गली थाली मदारी बिजली सरकारी दीपावली, ये सुलेख है। अब देखिए जो आपकी बुक है उस बुक में ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जो ये चिड़िया है, शेर है, ये भेड़ है, ये मछली है, इनको क्या करना है इनकी सही जगह पे इनको पहुंचाना है। तो ये क्या है कि आप अपने बुक में कीजिए, ये है पेज नंबर 19 पे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।